वेलकम बैक। हाल ही में दिल्ली में हुई इनकम टैक्स रेड में उत्तर प्रदेश के लिकर बैरन पोंटी चड्डा के ऑफिस से 100 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये 100 करोड़ विच इज स्लाइटली लेस देन ए राजा की पॉकेट मनी, बट आई गेस इफ यू आर कॉल्ड पोंटी चड्डा तो आप लिकर बैरन के अलावा कुछ और बन भी नहीं सकते। पोंटी चड्डा क्या नाम। हाँ, खबर ये भी है कि पोंटी चड्डा मायावती के राइट हैंड मैन टाइप्स है और उनके पास मिला पैसा असल में माया बहन का है। बट वेट, पोंटी तो दलित नहीं है। मायावती ने अपना पैसा एक नॉन दलित को दे दिया रखने के लिए। मतलब मायावती एंटी दलित है। खैर, इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं पोंटी के पास। हेलो पोंटी जी। हाँ बोल। 100 करोड़ आपने छुपाए कैसे थे? टेक्निक है। नहीं, वही तो जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो कि 100 करोड़ छुपाने में कितनी जगह लगती है। मतलब है तेरे पास 100 करोड़? मेरे पास नहीं। 100 करोड़ पूछ रहा है? नहीं नहीं, इसीलिए तो ऐसे फैंटेसाइज कर रहा हूँ। बताओ अब सनी लियोन कभी आने वाली? नहीं, फैंटेसाइज करने में जाता हूँ। वैसे 100 करोड़ नहीं, फैंटेसाइज कर, बताओ। वो सिंपल है यार, 1000-1000 के नोट हुए तो कितने बने 100 करोड़ के? सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप क्यों पूछ रहे हो? मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है। सिबल जी से पूछ के बताओ। चल बता। सिबल जी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो, काटिए मत। अरे बात तो सुनिए। अरे नहीं नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ा। हेलो। अरे यार, ये वो 100 करोड़ को अगर 1000 के नोट में करें तो कितने नोट हुए? 10 लाख हुए, but all that is notional. Actual में it's 0 notes. Okay, thanks. जा चल। हाँ, ओ क्या नाम है भाई? पोंटी। वो तो कह रहे हैं कि 0 notes हुए हैं, लेकिन notional है। पता नहीं ये भी क्या येड़ा बकरा था। शायद 10 लाख नोट हुए ना? हाँ, 10 लाख ही होंगे करीब करीब। माया बहन कह रही थी कि जितने हाथी हैं उतने नोट हैं। क्या पॉलिटिक बात कह दी है? जितने हाथी उतने नोट हैं, जितने दलित हैं उतने वोट हैं, जितना कोई गिरे उतनी चोट है। बस। ओए, तू माधरचोद है? देव तेरी माँ का। बात सुन पहले मेरी। सॉरी, मैं क्या है ना, मैं थोड़ा बह गया था। हाँ वो बोलो बोलो बोलो। 10 लाख नोट अब कैसे छुपाए? देख, नोट को अगर ऐसे रोल कर लेना, ये देख, ऐसे करके है तो इसको संभालना ना आसान हो जाता है। अब 10 लाख नोटों को ऐसे रोल करके हाथी की टांग बन जाती है। हाथियों की टांगों में नोट है? मैंने कब कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, खुद समझ ले, मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, कहा जाता है कि यूपी में दारू 25% महंगी है क्योंकि उस पे कोई मिस्ट्री टैक्स लगा हुआ है। व्हाट इज दिस मिस्ट्री टैक्स? मिस्ट्री टैक्स नहीं हुए, पोंटी टैक्स है। पोंटी टैक्स, पूरी दुनिया मुझे पोंटी पोंटी कह के चिढ़ाती है, बचपन से चिढ़ा रही है। पोंटी भी कोई नाम होया है कि नाम होया? पोंटी चला जा। तो मैं उस नाम का ना बदला ले रहा हाँ, 25% टैक्स, पोंटी टैक्स मुझे चढ़ाने के लिए। किससे बात कर रहा है? किसी से नहीं, वो दोस्त है, दोस्त, फ्रेंड। बहन कैसे चली है? ठहर जा, सिस्टर है। तो ये थे पोंटी चड्डा जी शेयरिंग सम ऑफ सीक्रेट्स एंड साइड लाइफ। वेल, आज के लिए इतना ही। तुम लोग भी जाओ और पैसे कमाओ भाई। हाँ, या कमा चुके हो तो ठीक से छुपाओ। कम ऑन, मूव चेंज।
Nothing's left backstage. Every month's little stone stage performs behaving underage. Update your status, vent your rage. Millions of faces stuck in a web game. Social age, back in my mind, living in the days. Navigate the maze of applications and dumb phrases, no phrases. So how living in the social age? So how?